हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइम डायलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट की स्पीड को हम लोग सी से लिखते हैं। आपको पता होगा वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम में। लेकिन हम लोग सी से इसको क्यों लिखते हैं? सी से हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वो सभी ऑब्जर्वर के लिए, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो जितनी फास्ट मोशन में हो, उसके लिए लाइट की स्पीड होती है फिक्स, तो कांस्टेंट होती है। तो इसीलिए हम लोग किससे लिखते हैं? सी से। चाहे ये एरोप्लेन जो 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर रहा हो, इसके लिए भी लाइट कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे कोई स्टेशनरी है उसके लिए भी वही होगी। चाहे कोई बस से मूव कर रहा हो, चाहे कोई ट्रेन से मूव कर रहा हो, चाहे कोई कार से मूव कर रहा हो, सबके लिए लाइट की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। इसीलिए हम इसको लिखते हैं सी से। अब चलिए बात करते हैं क्लॉक की, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं टाइम डायलेशन की, तो थोड़ा सा हमें क्लॉक और टाइम के बारे में समझना होगा। तो क्लॉक के बारे में बात करते हैं, तो क्लॉक को अभी हम मान लेते हैं हार्ट बीट। क्या मान लेते हैं? हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन। अगर आप दौड़ते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज होती है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप चलते हैं तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो जाएगी कंपेरेटिव टू दौड़ना। दौड़ने में हार्ट बीट फास्ट होगी और चलने में हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। लेकिन टाइम के साथ कुछ अलग होता है, टाइम के साथ ये नहीं होता है। अगर आप धीरे मूव करेंगे तो टाइम फास्ट मूव करेगा, और अगर आप फास्ट मूव करेंगे तो टाइम स्लो मूव करेगा। ये आपको क्लियर होगा। चलिए इसको समझते हैं भाई ऐसा क्यों होता है। तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं टाइम डायलेशन की। डिफिनेशन क्या होता है? टाइम स्लो डाउन एट वेरी वेरी फास्ट स्पीड, दिस फिनोमिना इज नोन एज टाइम डायलेशन। टाइम बहुत बहुत फास्ट स्पीड पर स्लो हो जाता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। चलिए इसको समझते हैं टाइम डायलेशन को। लेकिन इससे पहले हमें क्या समझना होगा? टाइम क्या होता है? तो टाइम को समझने के लिए हम समझेंगे क्लॉक। ए क्लॉक कैन बी एनीथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन ए प्रेडिक्टेबल वे। एक क्लॉक जो होता है वो किसी भी चीज़ को प्रेडिक्टेबल वे में रिपीट करता है। बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। हम सेट कर देते हैं उसी पे, वो रिपीट करता है, तो हमें पता चलता है ये टाइम हुआ है। जैसे कि पेंडुलम क्लॉक जो होती है उसमें पेंडुलम क्या होता है? ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है। तो ये घड़ी जो होती है इसकी सुई क्या होती है? आगे बढ़ती है, फिर एक बार मोशन करता है, फिर एक बार सुई और आगे बढ़ती है, फिर मोशन करता है, फिर सुई एक बार और आगे बढ़ती है। मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है जो क्या करती है? रिपीट करती रहती है। लेकिन ये कैसी होती है? प्रेडिक्टेबल। ऐसा नहीं कि मोशन कभी फास्ट होता है, ऐसा नहीं कि मोशन कभी स्लो होता है। मोशन जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। ऐसे ही क्लॉक होती है, ऐसे ही टाइम चलता है। एक क्लॉक और होती है, वो लाइट बीम की क्लॉक होती है। देखिए यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो फिक्स हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है मोशन। वैसे ही लाइट बीम की क्लॉक होती है, उसमें क्या होता है? लाइट का ऐसा बीम होता है जो क्या करता है? दो मिरर से ऐसे टकराता है, मिरर से टकराता है, तो घड़ी की एक सुई क्या होती है? आगे की तरफ जाती है, फिर इधर आके टकराता है, फिर सुई आगे की तरफ जाती है, फिर इधर आके टकराता है, फिर सुई आगे की तरफ जाती है। मतलब लाइट की बीम ऐसे ऐसे मिरर से टकराती रहती है और सुई आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो हमें क्या पता चला? जो यहाँ पे क्लॉक होती है वो प्रेडिक्टेबल होती है और रिपीटेटिव होती है, बार बार रिपीट करती है। अगर हम किसी तरह से इसके मोशन को चेंज कर दें, अब यहाँ पे देखिए ये प्रेडिक्टेबल क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड सी है, फिक्स है, इसीलिए ये सी से मूव कर रही है, और डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ इसका होगा। तो इसका कुल मिला के डिस्टेंस अगर हम निकालें तो होगा, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ पर मान लेते हैं सी है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सी होती है और टाइम क्या है? टी है। तो यहाँ की यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो सी टी होगी। क्या होगी? सी टी। तो ये तो फिक्स है यहाँ पे। लेकिन अगर ये डिस्टेंस किसी तरह से चेंज हो जाए तो हम क्या होगा? टाइम हमारा चेंज हो जाएगा, टाइम डायलेशन हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं, ये आपको क्लियर होगा, आई होप ये आपको क्लियर होगा दोनों। अब चलिए थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। ए मूविंग स्पेसशिप विद वेलोसिटी 0.5 से हम थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें लेंगे। एक हम स्पेसशिप लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें एक ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक ऑब्जर्वर होगा अर्थ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमने तीन चीज़ें ली, एक स्पेसशिप, एक ऑब्जर्वर अर्थ पे, एक ऑब्जर्वर इसमें, और यहाँ पे मैंने इसी लाइट की बीम का हमने ले लिया, क्योंकि हमको पता करना है कि टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे हम जैसे ही ये जो स्पेसशिप है वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है। मान लीजिए ये मूव कर रहा है 0.5 C, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट के हाफ वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है आगे की तरफ। अगर हम इस ऑब्जर्वर की बात करें जो स्पेसशिप के अंदर है, तो यहाँ पे जो लाइट की बीम होगी वो ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, इस तरह से मोशन करेगी, यानी स्ट्रेट लाइन में ऐसे इस तरह से
मोशन करेगी लाइट की बीम, ये इस ऑब्जर्वर को दिखेगा। लेकिन जो अर्थ पे ऑब्जर्वर है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, जो अर्थ पे खड़ा हुआ है, उसके लिए मोशन थोड़ा अलग होगा, उसके लिए मोशन जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसी को लिया है, इसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे लिया है, लाइट की बीम ऐसे दोनों मिरर से टकराती है, तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि इसमें है, उसके लिए तो ये मोशन बिल्कुल इसी तरह होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो कुल मिला के CT होगा इसका मोशन, मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होगा, CT भाई स्पीड ऑफ लाइट C होती है और टाइम T, तो CT में ये मोशन, CT डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक जाने की, ये आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर हम अर्थ के ऑब्जर्वर के हिसाब से बात करें तो उसके लिए कुछ डिफरेंट मोशन होगा, उसके लिए मोशन कुछ इस तरह से होगा, उसको ये दिखेगा कि लाइट की बीम कुछ इस तरह से जा रही है ऊपर, फिर इस तरह से आगे आ रही, क्योंकि ये स्पेसशिप क्या है, मोशन में है, और ये क्या है, रेस्ट में है, तो इसको दिखेगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, फिर इस तरह से फिर आ रहा है, जबकि इसको क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में, लाइट इसको क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में। तो एक हम इस तरह से बना लेते हैं और एक हमारा इस तरह से बना लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, उन दोनों में अंतर है, उन दोनों में क्या है, अंतर है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, CT ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स होता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होता है, फिक्स होता है, C ही होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम कुछ चेंज होगा, टाइम क्या होगा, कुछ ना कुछ बदलेगा, तभी तो भाई, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हमको फिक्स रखना है, तो यहाँ से यहाँ तक कि हमको क्या होना, टाइम थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कुछ बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके हिसाब से, अर्थ के ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया। अब इसको आपने निकाला था CT, जो स्ट्रेट लाइन वाला था, क्या निकाला था आपने, इसकी वैल्यू CT निकाली थी, ये आपने पहले ही कैलकुलेट किया था। चलिए इसको मान लेते हैं CT0, क्या मान लेते हैं, CT0। तो यहाँ पे आपने CT0 पहले इसकी वैल्यू निकाली थी। अब ये भी तो लाइट की स्पीड से ही चल रहा है, क्योंकि हमको दिख रहा है कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं CT, ये आपने क्या मान लिया, CT मान लिया। अब ये प्लेन भी तो मूव कर रहा है, स्पेसशिप भी तो मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो V होगी और टाइम क्या होगा, T होगा। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहाँ पर ले लेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CT मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर VT लिख दिया और यहाँ पर CT0 लिख दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, ऑब्जर्वर जो अर्थ पे है, इसके हिसाब से तो भाई CT ही होगा, लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा, कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, मतलब इस साइड का, इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है क्लास 9th-10th में। अब यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, CT है, तो CT का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, CT0 है, तो CT0 का स्क्वायर, बेस क्या है, VT, तो VT का स्क्वायर, फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया सबको, फिर CT C² T² और यहाँ पे V² T² को मैं इधर ले आऊँगा और C² T² 0 को C² T² 0 को यहाँ पे लिख दूँगा, फिर यहाँ पे मैं T² कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा C² - V² और यहाँ पे C² T0² अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, C² से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा T² और C² से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा V² / C² और यहाँ पे C² हट जाएगा क्योंकि हम C² से डिवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे T² इसको ये मल्टीप्लाई में था तो इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो T² = T0² - V² C² अब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, T0² का हो जाएगा T0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 - V² C². तो इस तरह से हमने टाइम डायलेशन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। चलिए इसको एक और समझते हैं। अब यहाँ पे जो T0 है वो किसके लिए टाइम है, जो स्पेसशिप में उसके लिए टाइम है, और T टाइम जो है वो किसके लिए है, अर्थ वाले के लिए टाइम है, मतलब जो ऑब्जर्वर अर्थ पे है। तो चलिए निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि T0 टाइम 10 साल तक कोई स्पेसशिप में ट्रैवल करता है लाइट के आधे वेलोसिटी से, यानी कि 0.5 C से, तो अर्थ पे कितना टाइम होगा, अर्थ पे कितना टाइम गुजरा होगा। मान लीजिए स्पेसशिप वाले के लिए 10 साल गुजरा, तो अर्थ वाले के लिए कितना गुजरेगा, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो उस क्या हो जाएगा, 11.54 ईयर्स, मतलब कि टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे धीमा हो गया, किसके लिए, स्पेसशिप वाले के लिए। इसी को हम कहते हैं टाइम डायलेशन, मतलब टाइम का धीमा होना को क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन। और टाइम कब धीमा होगा, जब आप फास्ट मूव करेंगे, जब आप फास्ट मूव करेंगे तब क्या होगा, टाइम स्लो होगा, और अगर आप स्लो मूव कर रहे हैं तो टाइम क्या होगा, फास्ट होगा, सॉरी, जब आप फास्ट मूव कर रहे हैं तो टाइम क्या होगा, स्लो होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने सीखा
टाइम डायलेशन के बारे में। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे न्यूटन, उनके हिसाब से जो टाइम था वो एब्सोल्यूट था, मतलब टाइम हर जगह फिक्स होता है, चाहे आप जितनी भी वेलोसिटी से मूव करें, उनके हिसाब से एब्सोल्यूट था, मतलब टाइम हर जगह सेम गुजरेगा। लेकिन आइंस्टाइन ने बाद में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बताया कि टाइम जो होता है वो रिलेटिव होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे लिए 11.54 ईयर गुजर गया और उसके लिए 10 ही साल गुजरा, तो टाइम कैसा होगा भाई, रिलेटिव ही तो होगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।